कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने के लिए जिला प्रशासन लगातार सोशल डिस्टेंसिंग बनाने की अपील लोगों से कर रहा है। वहीं पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक दवा मंडी भालोटिया मार्केट में दवा लेने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे दवा व्यापारियों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसकी सूचना मिलने पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव और एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने मौके पर पहुंचकर देखा तो दवा की दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था, जिस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए दवा व्यवसायियों को सख्त हिदायत दी गई कि दवा लेने आने वाले व्यापारियों और दुकानदारों को सोशल डिस्टेंसिंग के तहत खड़ा करके ही उन्हें दवाइयाँ दी जाएँ। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एडीएम सिटी राकेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा, आज मेरे द्वारा और सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा भलोटिया दवा मार्केट का औचक निरीक्षण किया गया, ये देखने के लिए कि सोशल डिस्टेंस मेंटेन की जा रही है कि नहीं। तो वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई हैं, सभी दुकानदारों को ये निर्देश दे दिया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके ही वहाँ पर दवाएं दें, दूसरा फ़ोन से या ऑनलाइन डिमांड मांग लें जो भी उनके रिटेलर्स हैं और उनका पैकेट तैयार रखें, तब उनको फ़ोन कर दें, वो आके अपना पैकेट ले जाएं तो भलोटिया मार्केट में भीड़ नहीं लगेगी। उनको अभी वार्निंग दी गई है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग अगर मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो फिर हमें आपके विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ेगी।